Okay, now students, now we come to our exercise assessment or your assignment. It is on page number 83 from your book. Uh, there are two diagrams drawn. वन इज़ अबाउट द डर्टी सिटी एंड वन इज़ अबाउट द क्लीन सिटी ठीक है ये दोनों डायग्राम जो हैं आपके बुक में ड्रॉ की हुई हैं लेकिन इसमें कलर्स नहीं हुए हुए तो आपको डर्टी सिटी में दिखाने की इस तरह से गारबेज और कंदा कचरा वगैरह जो है वो इधर उधर फैला हुआ होता है जबकि एक क्लीन सिटी होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा उसमें अपनी तरीके से डस्टबिन रखा हुआ होता है कॉर्नर में प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं एक अच्छी साफ़ सुथरी सी बिल्डिंग होती है तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है वो क्लीन सिटी की निशानदही कर रही है फिर इसी तरह से अगर हम पेज नंबर एट्टी फोर पर आ जाएँ तो उसमें ट्रू और फॉल्स जो है वो गिवन है आपने सोच समझ के लिखना है पहला वाला है ऑल गैसेस इन द एयर आर हार्मफुल क्या सारी गैसेस बहुत खतरनाक होती हैं सारी गैसेस हमारे लिए हार्मफुल होती हैं तो जाहिर है ये गलत है फिर इसी तरह से वी कैन सी डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर हाँ हमें पारी बारी से छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स हवा में नज़र आते हैं फिर सी है स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस आर प्रोड्यूस बाय कार्स एंड फैक्ट्रीज आपको पता है कि मुख्तु धुआँ या मुख्तलिफ़रनाकम की गैसेज जो हैं वो कास या फैक्ट्री से निकलती हैं प्रोड्यूस होती हैं ये भी सही है दैन वाटर वेपर्स कैन बी सीन वाटर वेपर्स हमें नज़र नहीं आते हाँ अलब जब वो वाटर की शक्ल में आ जाते हैं तो हमें नज़र आते हैं फिर है जर्म्स आर वेरी हार्मफुल टू अस जर्म्स हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं then we have air with lots of dust smoke or harmful gases is bad for our health बिल्कुल सही क्योंकि डस्ट का या स्मोकी स की सी एयर हो या हार्मफुल सारी गैसेस हो तो हमारे हेल्थ के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं फिर जैसे मोर वाटर वेपर्स गेट इन टू द एयर इन समर दैन इन विंटर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स गर्मियों में क्यों होता है सर्दियों से मुकाबले बुक, में क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है धूप की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं दैन किसी भी तीन चीज़ के नाम लिख दीजिएगा जो कि हमारे हवा में मौजूद हो सकते हैं ब्लैंक्स में जैसे गैसेस मौजूद हो सकती हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जर्म्स होते हैं ठीक है ना तो ये ज़्यादा से तीन चीज़ों के नाम लिख दें आई होप असाइनमेंट आपका भी आज का भी बहुत आसान है और इसको कंप्लीट करके लेकर आइएगा ताकि अगर किसी का कुछ uh, रह गया हो तो क्लास में भी कम्प्लीट हो जाएगा और साथ साथ जो है वो आपके घर में भी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है टेक केयर ऑफ़ विस सेल्फ अल्लाह हाफ़